कविता है, मैं 411 नंबर प्राप्त किए। तो विद्याकुल में मेरे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिला इस चीज़ से कि मुझे पता चल पाया कि हम पढ़ाई को सीरियस वे में लेके नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ाई को हम नॉर्मली एज अ फनी वे में, क्योंकि सर ने हमें जो जिस तरीके से पढ़ाई लगाई, हम मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं लगी। इतना अच्छे तरीके से हम पढ़ते थे, सारे टीचर्स हमारे सामने रहते थे, मैं जो भी डाउट मेरे को होता था मैं डाउट कर मतलब कमेंट करती तो मेरा रिप्लाई विद इन वन मिनट्स रिप्लाई आता था। तो सब मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है विद्याकुल के साथ। विद्याकुल मेरी फैमिली जैसी है सर, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं अपनी खुशी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग्स, बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने मुकेश सर है, बाकी सब विद्याकुल की टीम है मेरे सामने, मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं, मेरे घर पर वो लोग आए हुए हैं। तो बाकी प्रिंसिपल आके मुझसे पूछती है कि बेटा पेपर कैसा है, मैंने बोला मैम बहुत अच्छा पेपर, बाकी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड है, मैंने पता नहीं क्यों हार्ड बोल रहे हैं, मुझे बहुत ईजी लग रहा है पेपर, क्योंकि मैंने जैसे क्योंकि जो सुबह सर प्रिपरेशन कराते थे जो पेपर देते थे पूरा पेपर उसी में से फंसा था। तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, मैं साथ में आसमान पर थी और मैं बोल रही थी कि मैम बहुत ईजी पेपर है, मैम 100 में से 100 का करूँगी मैं आज। और मैं घर में रास्ते तक बहुत खुश थी, लेकिन मेरी फ्रेंड मेरे को बताती है कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला मेरे वो 11th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने 11th मैंने कि 10th क्वेश्चन तो 10 ही आए मेरे हिसाब से। फिर मैंने देखा, मैंने पेपर खोला, फिर देखा कि 11वां क्वेश्चन है उसमें, मेरा वहीं मेरे को बेहोश हो गई मैं वहाँ, मेरा हालत खराब, मैं घर आई रोते हुए पूरा रास्ता, सब लोग मेरे ताऊजी वगैरह सब लोग क्यों रो रही है। अपने फेवरेट टीचर कौन हुए आपके फेवरेट? संकल्प सर के लिए अगर कुछ कहना हो, सर वीडियो को देखें। सर संकल्प सर के लिए मैं सर मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं बायोलॉजी में करूँगी क्या, लेकिन जब वो महा मैराथन मैंने देखे, 2-3 महा मैराथन देखे, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मैं पेपर को, अब कहीं नहीं जाना पेपर उससे, और वास्तव में यही हुआ, मैंने पूरा पेपर किया, पर पता नहीं मेरे 92 कैसे आए, 8 मार्क्स 8 नंबर गए तो गए काम में, क्योंकि मैं 100 नंबर का करके आई हूँ। प्यारे साथियों नमस्कार, विजय यात्रा के चौथे दिन हम लोग आ गए हैं श्री हरि की नगरी मथुरा, और आप सभी को मथुरा की पावन भूमि से राधे राधे। और आज हम लोग जिस परिवार में आए हैं इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, आप लोगों को जान के सुन के बड़ा मज़ा आएगा। दरअसल कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने लगातार पिंग 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 करके भरा हुआ है कि सर क्या हम टॉपर नहीं बने तो आप हमारे घर पर नहीं आएंगे, सर क्या हमारी स्टेट रैंक नहीं है तो हमारे घर पर नहीं आएंगे, क्या हमारी डिस्ट्रिक्ट रैंक नहीं है तो क्या हमारे घर पर नहीं आएंगे, हमारा भी सपना है आपसे मिलने का। तो आपका काम है सपने देखने का, और विद्याकुल परिवार का काम है ऐसे सपनों को लगातार पूरे करने का। तो आज हम लोग अपनी बहन अपनी छात्रा के घर आए हुए हैं, जिनका बहुत छोटे, इतने छोटे देख पा रहे हो आप कैमरे में, इसे और छोटा कर देते हैं, इतनी छोटी सी गलती से, शायद कॉपी चेकिंग में गलती हुई है, डिस्ट्रिक्ट रैंक बनने से रह गया है। इस बच्चे के साथ हम लोग रूबरू होंगे, पूरा परिवार हमारे साथ है, हमारे साथ में बैठे हैं इनके ताऊजी, फिर आप हो गए इनके ताऊजी, और फिर है इनके पिताजी, साथ में है हमारे साथ कविता। तो इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले, इसमें नई और दिलचस्प कहानी जानने से पहले, समझते हैं कि एक बार क्या कि कविता कौन है, कविता के कितने नंबर आए हैं, कहाँ से हैं। कविता जी एक बार फटाफट से बच्चों को हेलो बोलते हुए अपने बारे में बता दें। हेलो, अब बताइए अपने बारे में। मेरा नाम कविता है, मैं मथुरा से हूँ, और मैंने विद्याकुल से 11 से तैयारी करी थी, मैंने कहीं और कोई किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी नहीं करी, मैंने यहाँ पे मुझे एक विश्वसनीय प्लेटफॉर्म लगा तब मैंने यहाँ से तैयारी करी। मेरा सारे ऑल सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे मार्क्स है, मेरा परसेंटेज गिराया है केमिस्ट्री में, पता नहीं कॉपी चेंज हो गई है पता नहीं, जिस वजह से मेरी परसेंटेज डाउन रही है, अदरवाइज़ मेरा बायोलॉजी 92 है, हिंदी 92 है, और फिजिक्स 83 है। फिजिक्स में 83 इसलिए क्योंकि सर बाई चांस मेरा 5 नंबर का मैंने देख नहीं पाया, लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया, मैं घर पे आके बहुत रोई, मैंने बोला कि मैं सबसे 5 नंबर पीछे हो गई मम्मी, अब कैसे होगा, मैं सबसे 5 नंबर 1% पीछे हो गई। फिर मम्मी ने कहा कोई नहीं जो होगा देखा जाएगा, अब रोना नहीं है, मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, मेरी उसी दिन से स्वास्थ्य खराब था। फिर मेरा नेक्स्ट डे था केमिस्ट्री का पेपर शायद थोड़ा बहुत इसी वजह से ख़राब भी हुआ, ताकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिजिक्स का पेपर मेरा ख़राब हो गया था क्योंकि मेरा 5 नंबर का रह गया था, जो मुझे पूरा एज इट इज आता था, बहुत अच्छे से आता था, वो मेरा रह गया, मैं घर पे आके बहुत रोई। फिर मम्मी ने मुझे शांत किया,
फिर मैं केमिस्ट्री का पेपर, फिर भी मेरा केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छा गया था, समथिंग मैं 90 मार्क्स का करके आई थी, इतना मुझे अच्छे से कंफर्म है, पर मेरा नंबर बिल्कुल उस हिसाब से नहीं आए। तो सर यही है मेरा, 411 मार्क्स है, 82.2%। 82.2% यानी कि मुझ जैसे जो बालक हैं वो 82 में तीन बच्चे पास हो जाते, 33 वाले, तो ये तो अच्छे नंबर है। नहीं सर, वो जिस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करी थी, मेरा था कि कम से कम स्टेट ना तो डिस्ट्रिक्ट में तो मैं टॉप करूँ ही। तो चलो अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रैंक सपोज करो बन जाती तो क्या बदलता सर? सपना बदल जाता क्या? नहीं सर, सपने क्या सपना देखा है भविष्य में, क्या करना है भविष्य में? मुझे ग्रेजुएशन के साथ सिविल प्रिपरेशन करना है। ग्रेजुएशन के साथ सिविल प्रिपरेशन करना था। अब सोचो कि आज अचानक से फिर से वो दिन है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलने वाला है और स्टेट रैंक वन पे काबिज हो गई है मथुरा की कविता। अब इस यूपीएससी के सपने में क्या बदलता? क्या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हो जाता? क्या डायरेक्ट आपको किसी जिले का डीएम बना दिया जाता? नहीं ना, तो वो जो प्रोसेस है तैयारी यूपीएससी की उसी तरीके से करनी पड़ती, तो आपके सपनों पे कोई असर नहीं पड़ता है। जो भी आपने सोचा हुआ है वो सपना तो पूरा करना है उसी तरीके से, लेकिन ये जो छोटी मोटी ईश्वर ठोकरें दे देते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये किसी बड़ी तैयारी के लिए। और फिर तुम तो साक्षात हरी की नगरी से हो भाई, भगवान ने शायद पहले छोटे से कदम इसलिए रोक लिए हैं कि जो बड़ी बड़ी भूमिका आपकी कहीं बनाई होगी उस तक आप पहुँच पाओ। चर्चा करते हैं बच्चों, अब पिछले 5-7 दिन से हमारे पास जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, स्क्रूटनी के लिए बहुत फ़ोन आ रहे हैं मुकेश सर के पास लगातार, व्हाट्सएप मैसेज इनबॉक्स, टंग सर स्क्रूटनी, टंग टंग पिंग पिंग। समझते हैं कि आप लोग गलती कहाँ करके आते हैं। जैसे कविता ने बताया कि 5 मार्क्स की प्रिपरेशन इसकी पक्की थी, लेकिन जल्दबाजी में कहीं ना कहीं वो सवाल ही छूट गया। ओवर कॉन्फिडेंस, इसी पे ऊपर बात करते हैं, बताइए। तो वो मैम आई, मेरे प्रिंसिपल मैम मेरे से आके पूछती है कि बेटा पेपर कैसा आया, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत अच्छा, बहुत इजी पेपर है मैम, बहुत अच्छा पेपर। अच्छा, एग्जामिनर जो रूम में थे उन्होंने आके पूछा कि पेपर कैसा आया? आके मेरी खुद की प्रिंसिपल आके पूछा, सेल्फ सेंटर था क्योंकि जीजीआईसी कॉलेज है, गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज, तो आगे प्रिंसिपल आके मुझसे पूछती है कि बेटा पेपर कैसा है। मैंने बोला मैम बहुत अच्छा पेपर, बाकी सारे बच्चे ये कह रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड है, मैंने पता नहीं क्यों हार्ड बोल रहे हैं, मुझे बहुत इजी लग रहा है पेपर, क्योंकि मैंने जैसे क्योंकि जो सुबह सर प्रिपरेशन कराते थे जो पेपर देते थे पूरा पेपर उसी में से फंसा था, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत ज़्यादा, मैं साथ में आसमान पर थी और मैं बोल रही थी कि मैम बहुत इजी पेपर है, मैम 100 में से 100 का करूँगी मैं आज। और मैं घर में रास्ते तक बहुत खुश थी, लेकिन मेरी फ्रेंड मेरे को बताती है कि ये वाला क्वेश्चन लास्ट वाला मेरे वो 11th वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मैंने कि 11th, मैंने कि 10th क्वेश्चन तो 10 ही आए मेरे हिसाब से। फिर मैंने देखा, मैंने पेपर खोला, फिर देखा कि 11वां क्वेश्चन है उसमें, मेरा वहीं मेरे को बेहोश हो गई। मैं वहाँ मेरा हालत खराब, मैं घर आई रोते हुए पूरा रास्ता, सब लोग मेरे ताऊजी वगैरह सब लोग क्यों रो रही है, किसी ने डांट दिया, किसी ने मार दिया, किसी ने मारा तेरे को, और मैं किसी को कुछ ना बोलूं, मैं घर आके बैग फेंका मैंने और इतना जोर जोर से मैं रोने लगी। मम्मी मेरे को डांटने लगी कि अब हो गया, आंसू हो गया तेरे रोने से थोड़ी ना ठीक हो जाएगा ये सब। तो फिर भी मैं रोए जाऊँ, सब लोग आए, मेरा मजाक भी बना रहे कि अब रोने से क्या हो रहा है, पहले तो गलती कर ले, पहले भाई आए होंगे, ओवर कॉन्फिडेंस तेरे अंदर ज्यादा आ जाता है ना, ये सब लोग मुझे चढ़ाते हैं इस बात पे कि तेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे आराम से देखनी थी कॉपी, मेरे को सब भैया वगैरह चढ़ाने लगे मुझे, मैं बहुत रो, मेरी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गई। नेक्स्ट डे पापा मुझे मेरी दवा लेने, क्योंकि मेरी हालत ज्यादा ही डाउन हो गई थी। नेक्स्ट डे मम्मी ने कहा कि इसकी तबियत ज्यादा ही खराब है, फिर हम लोग मम्मी दवाई चली, उसके बाद मेरा केमिस्ट्री का 2 दिन बाद ही पेपर था। हाँ। तो उस दिन तो मैं प्रिपरेशन नहीं कर पाई रोने के चक्कर में। सेकंड ने मेरा फिर मेरी मैं पापा मैं दवा लेने चली गई। हाँ। मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, पर ये था कि मेरे पहले से परफेक्ट प्रिपरेशन थी कि 90 तो आ ही जाएंगे, 90 का अटेम्प्ट कर गए। मेरा पहले तो था कि 100 में से लाना है मुझे, पर फिर भी मैंने कहा कि 90 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि फ्री मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं हो पाई थी। जैसे मैंने फिजिक्स की लगातार करी और इंग्लिश हिंदी वैसे करी, वैसे मेरी केमिस्ट्री की नहीं हो पाई थी। फिर भी सर इतना नहीं था कि मेरे इतने 61 रह जाएंगे, इतना आइडिया था कि 90 का करके आई हूँ, समथिंग कितने भी काटेगा 80 तो आई थी, 80 तो रखे हुए हैं। हाँ। पता ही नहीं सर 61 मार्क्स आया मेरे को। मेरी मम्मी पापा घर पे थे नहीं, शादी में गए हुए थे, तो हाँ। मैंने रिजल्ट खोला, मेरे को देख के मैं रोने लग गई उसको। सब लोग कहते हैं 82% है, कितनी अच्छी परसेंटेज है, सब लोग कहते हैं यही, लेकिन मैं घर में सबसे ज्यादा होगी आज तक की। हाँ, कितनी अच्छी परसेंटेज है। हाँ। पर फिर भी मैं
बहुत जोरों जोरों से रोने लगी कि नहीं मेरे केमिस्ट्री में कितने कम मार्क्स हैं, और मैं मेरे 5 नंबर और होते तो मैं और लोगों से आगे होती, और मैं 5 नंबर मैंने कहा था ना, मैं अब मेरी 82 है, मेरी 83 परसेंटेज होती, मैं 5 नंबर तो वैसे पीछे हो गई, फिर केमिस्ट्री में इतना कम मार्क्स, कम से कम मेरे 87-86 तो होते ही होते, मतलब कुल मिला के मुझे इतना ज़्यादा दुख हुआ। फिर मम्मी आई घर पे, तो फिर भी मैंने घर वाले सब ट्रीट मांग रहे थे कि पार्टी दो। और मैंने पापा के पास फ़ोन किया, मेरे पापा सब लोग ट्रीट मांग रहे हैं, आप कुछ लेते आना। पापा वहाँ से समोसे लेके आए, सबको समोसे खिलाए, पर मुझे वो खुशी नहीं थी। फिर भी मम्मी कह रही चलो मंदिर होके आते हैं। मैं जानते हैं कि तुम्हारे पिताजी कितने खुश हैं। भाई साहब, बच्ची ने मेहनत पूरी की है ना, आप लोगों ने देखी होगी, आप ही के सामने पढ़ी है, सब काम करा है, लेकिन परिणाम इनकी आशा के हिसाब से थोड़ा सा कम है। वैसे नंबर बहुत अच्छे हैं, इनकी जो आशा खुद से रही है उस हिसाब से कम है। आप इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? बढ़िया है जी, इधर 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 आके आके बोलो तो, वो बच्चे के ऊपर छोड़ दे तो, जो भी करना तुम करो, पैसे की बात है, पैसा हम खर्च करेंगे, कमाना हमें, खर्च तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें क्या करना, ऐड लेनी है, बायोलॉजी क्या करना तुम जानो। हाँ बिल्कुल, हम तो ऐसे बोल देते बच्चों से। हमने किसी बच्चे से कोई इंटर है, कोई डबल बी ए है, कोई डबल एम ए, हमने किसी दखल अंदाजी नहीं दी। मेरी सिस्टर भी ऑल्सो हाई स्कूल टॉपर थी, मैं हाई स्कूल में भी टॉपर थी, लेकिन मैं GGIC से नहीं थी, तो मैं प्राइवेट कॉलेज से थी, तो मेरा बिल्कुल भी मतलब मैं, मेरे को जरा भी वो नहीं किया गया कि जैसे आगे बढ़ाया जाता है, जैसे GGIC में मुझे आगे यहाँ पे समारोह हुआ था, वहाँ पे भी बुलाया गया मुझे, और मेरा स्कॉलरशिप सम्मानित करने के लिए, सम्मानित करने के लिए, लेकिन मैंने जहाँ प्राइवेट कॉलेज से किया, मुझे कुछ भी, मेरी 85 होने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। फिर मैंने सोच लिया कि मेरे को गवर्नमेंट में लेना है, तब से मैंने GGIC में एडमिशन कराया। मेरे पास समथिंग 8-7 तो ट्रॉफियाँ, 20-25 सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मेरे को मेरी मैम है, मेरे को इतना मोटिवेट किया, मुझे आगे बढ़ाया। आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, उन्होंने मेरे को मोटिवेट करती है कि बेटा तुम कर सकती हो। उन्होंने मेरे को मतलब मैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करूँगी, नम्रता मैम, मिस नम्रता मैम, मिस सुरभि मैम, मिसेस सुरभि मैम, उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया, उन सब पूरे स्टाफ की वजह से मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ देखा उन्होंने, मुझे बताया और आगे प्रोत्साहित किया, तो मुझे भी लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, फिर मुझे और भी ज्यादा अपने अंदर कि अब तो मैं कर ही दूंगी, तो कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि अब तो मैं कर ही दूंगी। एक तो मैम को मेरे पे ट्रस्ट है, फिर मेरे को इतना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मिल गया, तो अब तो मैं कर ही दूंगी। मेरा था कि मैं ज्यादा, भैया कहते थे कि नहीं इतना नहीं हो पाएगा तुझसे, हाँ तेरी 61 मत चटाने के लिए, मुझे 60-61 इससे ज्यादा आएगी नहीं तेरी। मैं रोज आती थी, हाँ ठीक है मेरी जैसी आएगी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती। कोई भी यही भैया आएंगे पीछे जो खड़े हैं, नहीं सर दूसरे, अच्छा अभी चले गए, अच्छा आपने डिमोटिवेट नहीं किया, नहीं मोटिवेट आगे बढ़े। इन्होंने मुझे सिविल के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी करा रहे हैं, मुझे इन्होंने मुझे बताया, UPSC की प्रिपरेशन भैया ही करा रहे हैं। अच्छा बड़े वाले होंगे जो टीज कर रहे हैं, वो छोटे हैं? हाँ हाँ, छोटे ही टीज करते हैं, बड़े गाइडेंस देते हैं, तुमसे बड़े होंगे, घर में छोटे होंगे, व्हाइट शर्ट और ब्लू टी शर्ट वाले, अच्छा ते तो बहुत छोटे हैं, ये तो टीज करेंगी, इन्होंने करा होगा, बड़े गाइडेंस देते हैं साथियों। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने बच्चे देख रहे हैं, कि हमारी जो USP है, विद्याकुल क्यों खास है, क्यों आप विद्याकुल के साथ ही जुड़े, कि पूरे साल में यदि आप 9वीं से जुड़ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि 12वीं में आपकी स्टेट रैंक पक्की है ही है, 10वीं में भी पक्की है, लेकिन आप 11वीं में या 12वीं में आके हमसे जुड़ते हैं तो पूरे साल के अंदर आपकी गाइडेंस, वो चाहे कॉपी लिखने से लेके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हो, आपके मोटिवेशन को, आपके मॉरल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो, ये सारी चीज़ें लगातार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कॉन्टेंट और क्लासेस तो लगातार चलते ही हैं, उससे अलग आपकी गाइडेंस के लिए विद्याकुल परिवार हर हफ्ते ऐसी एक्टिविटीज़ करता रहता है। तो बिना देर करें एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें विद्याकुल, और विजय 2025 बैच से जुड़ जाएं। अब आते हैं गुड़िया के एक्सपीरियंस को लेके। बेटा विद्याकुल के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, टीचर्स के साथ कैसा रहा, एजुकेशन कैसी रही, वो सारी चीज़ अगर आप 2 से 3 मिनट के अंदर कंपाइल कर पाए। सर एजुकेशन तो बेस्ट ही थी, तो टीचरों के साथ जो कॉम्बिनेशन था हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा था, हम कमेंट करते थे, बाकायदा रिप्लाई आता था सब टीचर्स का, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं आते डाउट्स में, डाउट कोई भी डाउट आप डाल रहे हो, हाँ कमेंट में डाल रहे हो, उसका रिप्लाई कितनी देर में या दिन में, मतलब हाँ आ जाता था 2-3 मिनट में, क्योंकि बहुत सारा होता था, जितने सारे हैं तो 2-3 मिनट के अंदर मेरा रिप्लाई। आप कोई भी डाउट डालोगे
तो हमारी टीम उसके ऊपर आपको कोशिश, हमारा जो विंडो है वो है 3 आवर्स मैक्सिमम की, 3 घंटे के अंदर हमारी टीम से आपके पास आ जाएगा। हाँ बोलो। संकल्प सर का रावण वाला रूप देखा है? हाँ, उन्होंने सर जोर जोर मुझे उनका, मुझे संकल्प सर से सर मेरा मिलना मुझे था उनसे कि मुझे उनसे मिलना है। हाँ। संकल्प सर, किशन सर, हाँ। और ऋषि सर सर, हाँ। मुझे लगा कि पूरी टीम आने वाली है, तो मुझे बहुत, अभी भी मुझे बहुत खुशी है, लेकिन वो लोग आते तो और। अब तो आपको आना है ना 5 तारीख को? 5 तारीख को, 5 तारीख को विद्याकुल परिवार हर वर्ष की भांति प्रयागराज में अपना छात्र सम्मान समारोह आयोजित करने जा रहा है, ठीक, जिसका नाम है विजय महोत्सव। विजय महोत्सव 2025 में आपको वहाँ पे निमंत्रण है सपरिवार, और आपके प्राइज अभी जो आप कहते हैं सर्टिफिकेट, ट्रॉफी, मेडल और रिवॉर्ड, वो सब वहीं पे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको सारी टीम मिलेगी, सब टीचर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो सब तैयारियों में लगे हुए हैं। तो यहाँ से जो भी पहली ट्रेन होगी वो पकड़नी है पूरे परिवार के साथ, और वहाँ समारोह में आना है, ठीक। एक्सपीरियंस पे वापस आते हैं, बताएं सर। फिर मुझे वहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है, क्योंकि वहाँ से मैं सीख पाई हूँ कि जरूरी नहीं कि सीरियसली पढ़ाई की जाए, उसमें अच्छे वे में, मतलब एक हेल्दी, एक एंटरटेनमेंट वे में भी अच्छी पढ़ाई की जाती है। एंटरटेन करके पढ़ाते थे कि फिजिक्स मुझे हार्ड लगता था, मैं सोचती थी फिजिक्स यार फिजिक्स, इसमें एक तो मैथ छोड़ा था मैंने, बायोलॉजी लिया, मैथ्स आ गए, पर मुझे सर से पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगने लगा कि अब तो फिजिक्स में टॉप करना है मेरे को, मेरा मैन टारगेट बना लिया। वो 5 नंबर वहाँ रह गए, 83 मार्क्स आए मेरे, फिर मुझे प्रैक्टिकल में 29 नंबर मिले, और प्लस मेरे 5 नंबर वहाँ छूट गए। 95 का तो मैं करके ही आई थी, तब मेरे 83 आए हैं, क्योंकि 5 नंबर का तो वो छूट ही गया। हाँ, तो मेरा कुल मिला के ये है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला कि हम पढ़ाई सीरियस वे में करेंगे, कहते हैं कि पढ़ो, मतलब इतना ज़्यादा सीरियस हो जाओ, मैं इतना सीरियस नहीं हुई सर, मैंने ऐसा फनी वे में वो सर के साथ, मैं सारी क्लासेस से जुड़ी रही बस, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा, मैं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लेती थी, बाकी ऑनलाइन क्लासेस आ रही उन्हें, मतलब रेगुलर क्लास करके भी आप 90% तक इजीली ला सकते हो। हाँ हाँ, ना सिर्फ रेगुलर क्लास करके, एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप कुछ भी कर रहे हो, वो चाहे आप क्विज लगा रहे हो, क्वेश्चन लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट रैंक को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अपने फेवरेट टीचर कौन हुए आपके फेवरेट? संकल्प सर के लिए अगर कुछ कहना हो सर, वीडियो को देखें सर। संकल्प सर के मैं सर, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बायोलॉजी में बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी, मुझे लग रहा था मैं बायोलॉजी में करूँगी क्या, लेकिन जब वो महामैराथन आया, महामैराथन मैंने देखे, 2-3 महामैराथन देखे, मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, अब तो मैं पेपर को, अब कहीं नहीं जाना पेपर उससे, और वास्तव में यही हुआ, मैंने पूरा पेपर किया, पर पता नहीं मेरे 92 कैसे आए, 8 मार्क्स 8 नंबर गए तो गए काम है, क्योंकि मैं 100 नंबर का करके आई हूँ। 92 मार्क्स बायोलॉजी में आपके आए, 92 मार्क्स, एंड एंटायर क्रेडिट गोज टू संकल्प सर। यस सर, और हिंदी में ऋषि सर, हिंदी में ऋषि सर, 92 सर, उन्होंने ऐसा हमें प्रिपरेशन करा दिया था, मैंने हिंदी बिल्कुल ही नहीं किया था, सब लोग कहते हैं कि हिंदी इजी है, पर ये ना कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने वाली सब्जेक्ट है, वो ऋषि सर का काम है सर। उन्होंने कम समय में ऐसी तैयारी कराई हमारी कि मैं हिंदी में मुझे सब कुछ, मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहा, मैं पूरा पेपर करके आई, उसमें भी मेरा समझ नहीं आ रहा 8 नंबर कहाँ गए, मैंने पूरा 100 नंबर का, मैं सब लोग घर पे आके पूछते हैं कैसा पेपर गया, मैंने ये पेपर तो मैं घर पे आके ये नहीं कहती थी, बहुत अच्छा पेपर गया, मैंने सोचा बाई चांस कम परसेंटेज आ गई, मेरा मजाक बनाते हुए मुझे बावला कर देंगे, फिर मैंने ठीक गया पेपर, पास तो हो ही जाऊँगी, पास हो जाऊँगी मैं, तो यही घर पे आके मैं यही बोलती थी हिंदी में। फिर मेरा फिजिक्स वाले दिन तो मेरा आपको बताया ही मैंने कि मेरा क्या रहा, और इंग्लिश में भी मेरा मतलब मार्क्स सब में अच्छे थे सिवाय केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में पता नहीं क्या हुआ है। तो केमिस्ट्री के डर को जाते हैं भूल, अप्लाई करेंगे स्क्रूटनी के लिए। तो साथियों, ये एक्सपीरियंस था कविता का विद्याकुल परिवार के साथ, हमारे सारे टीचर्स के साथ, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। हमारी तरफ से जो आपको एडवाइस है वो ये है कि बिना देर करे जितना समय निकलता जाता है उतना आपके लिए स्कोप कम होता जाता है। एक स्टूडेंट होने के नाते, एक छात्र होने के नाते आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी जल्दी आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए उतनी जल्दी आपको उस गाइडेंस के साथ जुड़ना चाहिए। रीज़न बीइंग कि ये बात सिर्फ 12th की नहीं है, आपके लाइफ को लेके जो गोल्स हैं, आप 12th के बाद जिन एग्ज़ाम्स को कम्पीट करना चाहते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट जॉब्स हों, वो चाहे प्राइवेट जॉब्स हों, जिसमें भी आप जाना चाहते हैं, उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस अगर कोई दे सकता है तो वो है विद्याकुल परिवार। बिना देर करे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा, विजय 2025 बैच से जुड़िएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, क्योंकि यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग अलीगढ़ के लिए। अब आपको मिलाते हैं अलीगढ़ में, कल हमारे जो इंटरव्यूज होंगे वो होंगे सर कहाँ? मेरठ मंडल में, मेरठ बुलंदशहर, और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हापुड़।
प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगा लास्ट में। ये इंटरव्यू तो अखिल सर ने पूरा कर दिया, सारी बातें पूछ ली। तो बेटा, लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टॉपर के घर जाते हैं। तो बेटा, जिस बच्चे को भी हमने पढ़ाया है, ये हमारी बहन सुबह सुबह मैसेज कर रही है कि इसका मैसेज मेरे पास आया कि क्या मेरे कम नंबर आए हैं, आप हमारे घर नहीं आए हुए, आपका पूरा हमारा पूरा परिवार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो बेटा, आप सब हमारे परिवार के सदस्य हो, आप कहीं भी हो, आपके कितने कम नंबर आए हैं, ज़्यादा नंबर आए हैं, भाई एक रिजल्ट से ज़िंदगी निर्धारित नहीं हो जाती है। अभी बिटिया ने जो बताया कि UPSC करना है, ज़्यादा आ जाते तो भी करना है, कम आ जाते तो भी करना है, आपके साथ भी है। कम नंबर आए, ज़्यादा नंबर आए, लेकिन आपका अगर हमसे लगाव रहा है, आपका हमसे जुड़ना रहा है, तो आप कनेक्ट करिएगा अपने बड़े भाइयों को, हम ज़रूर आएंगे। क्योंकि हम निकले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में जाने के लिए, हर गांव में जाने के लिए, और अगले 10 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और उसके बाद अगर हम आपके घर घर जा रहे हैं तो आप सबको भी आना पड़ेगा। हमारा छात्र संगम सम्मान समारोह विजय महोत्सव 5 मई को प्रयागराज में है, जहाँ पर मौका मिलेगा आप सभी को हमारे परिवारों से मिलने का, हमारे विद्याकुल परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे मिलने का, और आप कैमरे पे जिन शिक्षकों से हमेशा पढ़ते आए हो उन शिक्षकों से मिलने का। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आप सभी से अगले किसी इंटरव्यू में। तब तक ले जय हिंद।